स्वतंत्र चेतना टीवी से रिपोर्ट सैयद तामीर उद्दीन महोबा एल। नवंबर माह में चलने वाले यातायात माह का आज समापन पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम के साथ हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और पुलिस अधीक्षक पलाश बंशल ने मुख्य अतिथियों के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम यातायात नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस अभियान की सफलता तभी होगी जब हर व्यक्ति यातायात नियमों का पालन करने को अपनी प्राथमिकता बनाएगा। पुलिस अधीक्षक पलाश बंशल ने कहा, यातायात माह के दौरान किए गए प्रयासों ने ये साबित किया है कि सामूहिक प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। यह आयोजन हमें ये याद दिलाता है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। यातायात निरीक्षक ने जानकारी दी कि इस माह के दौरान हेलमेट जागरूकता अभियान, चलान चेकिंग ड्राइव और स्कूलों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन प्रयासों के चलते सड़क दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी और पुलिस अधीक्षक पलाश बंशल ने यातायात विभाग की प्रशंसा करते हुए इसे एक निरंतर प्रक्रिया बनाने पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हमेशा सतर्क रहें और दूसरों को भी प्रेरित करें। इस भव्य आयोजन ने महोबा के नागरिकों को यातायात सुरक्षा के महत्व को समझाने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे चेंजेस नहीं, बड़े बड़े हमारे को चेंजेस लाने होंगे। और मैंने पिछले उसमें भी कहा था, मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा कि मेरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये सक्षम है, ये सारे रूल्स एक दिन में फॉलो कराने के लिए सक्षम है। मतलब हम सब एक आदमी हमें नहीं दिखेगा जो हेलमेट पहन के नहीं जा रहा अगर हम ये चाहें। बट हम एक लोकतंत्र हैं, हम चाहते हैं कि हम पब्लिक के ऊपर आप रूल्स रेगुलेशन अगर आप करना चाहें तो प्रशासन और पुलिस के पास बहुत शक्ति होती है। अगर हम अपना डंडा यूज करेंगे तो ये बहुत आराम से हम कर भी सकते हैं। बट हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पब्लिक, हम कोई किसी को भेड़ बकरी या पशु की तरह हाँकना नहीं चाहते। और मुझे नहीं लगता कि लोग भी ये चाहेंगे कि हम डंडा लेके खड़े हो जाएं और आपको पूरे दिन मतलब डंडे के झुकुर पे ही कराएं। ये चीज मतलब हम या तो उस गफलत से बाहर आ जाए या तो हम उस मोड से बाहर आ जाए कि हमें लगता है कि हम मतलब हड्डी मांस के नहीं बने हुए, हम कोई स्टील के बने हैं कि स्टील की गाड़ी से जाके लग जाएंगे तो हमारे को कुछ नहीं होगा। मतलब एक छोटा सा देखिए कि एक छोटा सा तिनका जो पड़ा है वो आपकी आंख में चला जाए तो आपको परेशान कर सकता है। छोटा सा तिनका तो आपकी ह्यूमन बॉडी बहुत फ्रेजाइल है। आपका जो मतलब ह्यूमन बॉडी आप देखेंगे सबसे कमजोर है, क्योंकि छोटी सी बिल्ली भी आपको परेशान करके रह सकती है। देखिए, हम लोग कोई भी अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं तो जनरली हम लोग फोकस हमारा रहता है कि स्कूल में कॉलेजेस में करें। इसका उद्देश्य क्या है? आप लोगों ने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सुना होगा, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुना होगा। हमारा मानना है कि स्कूल के बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं। यदि हम उनके मस्तिष्क तक हम लोग इन्फ्लुएंस कर पाए तो वो समाज में परिवर्तन लाएंगे, अपने परिवार में परिवर्तन लाएंगे, अपने भाई बहनों में, माँ बाप में, हर जगह पे वो परिवर्तन ला सकते हैं। तो इसीलिए स्कूल के बच्चों का खासकर योगदान इसमें बहुत ही ज्यादा महत्व है कि वो अपने बस इतना प्रण ले लें कि जब उनके पिताजी बाहर ऑफिस जा रहे हो स्कूटी या बाइक किसी से भी, तो इतना इंश्योर कर लें कि वो हेलमेट पहन के जाए। इतना इंश्योर कर लें कि अगर आपके पास चार पहिया गाड़ी है तो उसमें समय से सर्विसिंग होती रहे, उसमें एयरबैग की व्यवस्था हो, सीट बेल्ट लोग लगा के जाए। तो थोड़ी थोड़ी कंजूसी के चक्कर में हम लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हमें लगता है कि जो भी एक्सीडेंट होगा वो तो परले घर में होगा, अपने घर में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब जान जाती है तो कोई देख के नहीं जाती, भगवान जब लेना होता है तो ले लेता है, इसके घर में चिन्हित करके नहीं लेता कि इसी घर में हम कोई दुर्घटना करवाएंगे। मैं आपको देखिए, ट्रैफिक माह का आज समापन है, लेकिन हम लोग की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी कार्यक्रम है वो लगातार चलते रहेंगे समय समय पर। और कोई भी ट्रैफिक माह या कोई भी ऐसा एक पर्टिकुलर दिन नहीं होता जिसमें हम कोई भी उद्देश्य हम अचीव कर पाए। एक सामाजिक चेंज है। अगर हम आंकड़े देखें डीसीआरपी एनसीआरपी के, तो हम देखेंगे कि प्रति वर्ष इंडिया में 2 लाख लोग अपनी जान सिर्फ एक्सीडेंट में गवाते हैं, और ये आंकड़ा बहुत ही कम है, सरकारी आंकड़ा है। इसके कारण ये है कि ये सब ऑफिशियल डेटा है, जो कि मुकदमा पंजीकृत होता है उसका डेटा है। अमूमन देखा जाएगा तो इसका डबल या ट्रिपल हम लोग को संख्या मिलेगी।
ऐसी कोई बीमारी नहीं है विश्व भर में जिसमें एक साल में दो लाख लोग एक देश में जिसमें अपनी जान गंवाते हैं। तो एक्सीडेंट रोड सेफ्टी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, जिसको उतनी ही संवेदनशीलता से आप लोग लें और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी लेते रहेंगे।